नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। मीरपुर नेशनल हाईवे पर आज ट्रक व कार की आमने सामने टक्कर होने से मौके पर 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 में से 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ट्रक चालक कार को करीब 20 मीटर तक घसीटता हुआ हाईवे किनारे ले गया था और ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस की मदद से सभी मृतकों के शवों व घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया है। मामला हमीरपुर जिले के भरुआ सुमेरपुर रेमसिम इस्पात फैक्ट्री का आया है, जहां यह लोग उद्योग नगरी से गुजर रहे थे, तभी बंदना स्टील के सामने हाईवे में उनके कार को ओवरटेक कर रहे ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परकच्चे उड़ गए और कार ट्रक में फंसकर करीब 20 मीटर तक घसीटी चली गई, जिससे कार व चालक धीरेंद्र के साथ अमरीश चंद्र और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई।